सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिकेट सुपर फैंस, मैं हूं रफी। तो वीमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2022 में इंडिया वीमेंस हो या फिर पाकिस्तान वीमेंस, इन दोनों ही टीमों का अपना पहला मुकाबला आपस में ही होने वाला है। यानी कि चिर पलते दिन इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से होने वाला है महा मुकाबला, जहाँ भारतीय महिला टीम भिड़ेंगे एक बार फिर से पाकिस्तान महिला टीम से 6 मार्च 2022 संडे को। गैरतलब है कि वीमेंस वर्ल्ड कप 2022 फिलहाल न्यूजीलैंड में खेला जा रहा है। 4 मार्च 2022 से यह टूर्नामेंट शुरू हो चुका है, जो 3 अप्रैल 2022 तक न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। यानी कि 3 अप्रैल को इसका फाइनल महामुकाबला खेला जाएगा। अब महिलाओं का यह वर्ल्ड कप ओडीआई फॉर्मेट में खेला जा रहा है, यानी कि 50-50 ओवरों का खेला जा रहा है, जिसमें टॉप की 8 टीम पार्टिसिपेट कर रही है। और इन सभी 8 टीमों के बीच टोटल 31 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें इंडिया वीमेंस हो या फिर पाकिस्तान वीमेंस अपना पहला मुकाबला 6 मार्च 2022 को आपस में ही खेलने वाली है। गैरतलब है कि इंडिया वीमेंस हो या फिर पाकिस्तान वीमेंस, इन दोनों टीमों का प्रदर्शन इससे पहले हुए वार्मअप मैच यानी कि प्रैक्टिस मैच में शानदार रहा था, जहां ये दोनों ही टीम अपना वार्मअप मुकाबला जीतकर आ रही हैं। जहां इससे पहले प्रैक्टिस मैच में भारतीय महिला टीम साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज को हराकर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की वीमेंस टीम प्रैक्टिस मैच में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीम को हराकर आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले वीमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप साल 2018 में खेला गया था, जिसकी रनर अप टीम रही थी टीम इंडिया। टीम इंडिया का प्रदर्शन चाहे T20 वर्ल्ड कप या फिर ओडीआई वर्ल्ड कप काफी शानदार रहता है। आपको बता दें कि वीमेंस वर्ल्ड कप 2022 का चौथा मुकाबला इंडिया वीमेंस वर्सेस पाकिस्तान वीमेंस के बीच खेला जाएगा 6 मार्च 2022 संडे को, जहां इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों टीमों का अपना पहला मुकाबला होगा और आपस में ही भिड़ने वाली हैं। अब यह मुकाबला 6 मार्च 2022 संडे को खेला जाएगा माउंट मांगनी के बे ओवल क्रिकेट स्टेडियम में। भारतीय समय अनुसार शाम को 6:30 बजे से यानी कि 6:30 PM से यह मुकाबला शुरू होने वाला है, जिसे आप लाइव देख सकते हैं अपने टीवी चैनल्स स्टार स्पोर्ट्स के सभी नेटवर्क पर, अपने टीवी चैनल्स पर, जबकि आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल ऐप पर लाइव देख सकते हैं। जहां अब तक क्रिकेट के इतिहास में भारतीय महिला टीम का दबदबा कायम रहा है पाकिस्तान महिला के खिलाफ, जहां अब तक ये दोनों ही टीम विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप में 2 बार इससे पहले भिड़ चुकी है और दोनों ही बार भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को पूरी तरह से हराया था। इस बार टीम इंडिया हैट्रिक की ओर बढ़ना चाहेगी, तो वहीं पाकिस्तान महिला की टीम इस शर्मनाक रिकॉर्ड को खत्म करना चाहेगी। गैरतलब है कि पाकिस्तान महिला का प्रदर्शन अब तक T20 फॉर्मेट में काफी शानदार रहा है, लेकिन टीम इंडिया का प्रदर्शन T20 हो या फिर ओडीआई, दोनों ही फॉर्मेट में काफी शानदार रहा है। अब चूंकि महिलाओं का वर्ल्ड कप ओडीआई फॉर्मेट में खेला जा रहा है, तो चलिए बात करते हैं ओडीआई फॉर्मेट की, जहां पर ओडीआई फॉर्मेट में टीम इंडिया का दबदबा कायम रहा है। एक तरफ टीम इंडिया जो चौथे स्थान पर मौजूद है आईसीसी की रैंकिंग में, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम है जो 8वें स्थान पर मौजूद है, जहां टॉप 10 बल्लेबाज हो या फिर टॉप 10 गेंदबाज या फिर टॉप 10 ऑलराउंडर्स है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी पाकिस्तानी महिला टीम नहीं दिखाई दे रही है ओडीआई फॉर्मेट में, तो वहीं टीम इंडिया के खिलाड़ी सभी में मौजूद हैं। जहां टॉप 10 बल्लेबाजों में मिताली राज नंबर 2 पर हैं, तो वहीं स्मृति मदाना नंबर 8 पर हैं, तो वहीं बॉलर्स की रैंकिंग में नंबर 4 पर जोरान गोस्वामी हैं, जबकि ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में दीप्ति शर्मा 5वें स्थान पर मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर, तो वीमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान महिला टीम का स्क्वाड प्लेलिस्ट कुछ इस तरह से है, जहां टीम के कप्तान बिस्मा मारूफ हैं, जबकि निदा दार वाइस कैप्टन है, जबकि अयमन अनवर, आलिया रियाज, अनम अमीन, डानिया बेग, फातिमा सना, गुलाम फातिमा, जावेरिया खान, मुनीबा अली, नाहिदा खान, नसरा संधु, उमैमा सुहेल, सिद्रा अमीन, जबकि सिद्रा नवाज विकेट कीपर बैट्समैन। तो वहीं स्टैंड बाई के तौर पर पाकिस्तान महिला टीम में इरम जावेद, नाजिहा अलवी और तौबा हसन मौजूद हैं। तो ये भारतीय महिला टीम का स्क्वाड कुछ इस तरह से है प्लेयर लिस्ट, जहां टीम के कप्तान मिथाली राज हैं, जबकि हरमनप्रीत कौर वाइस कैप्टन है। तो वहीं इस टीम में स्मृति मदाना है, शेफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, दीप्ति शर्मा, रिचा घोष विकेट कीपर बैट्समैन, स्नेह राणा, चुलवान गोस्वामी, पूजा वेस्तरकर, जबकि मेघना सिंह, रोनुका सिंह ठाकुर, तानिया भाटिया विकेट कीपर बैट्समैन, राज्यवेश्वरी गायकवाड और पूनम यादव मौजूद हैं। तो स्टैंड बाई के तौर पर भारतीय महिला टीम में एस मगाना, एकता बिस्त, जबकि सिमरन दिल बहादुर मौजूद हैं।